हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग के अपकमिंग गैलेक्सी एम 12 स्मार्टफोन के बारे में। इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है, 11 मार्च को यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अमेजोन पे इस स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज आ चुका है। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। 6000 एमएच का आपको एक बड़ा बैटरी दिया गया, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी एम 12 का सारा जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर सकते हैं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी एम 12 में आपको 6000 एमएच का एक बड़ा बैटरी मिलने वाला है, 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा और बॉक्स में आपको 15 वाट का चार्जर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं प्रोसेसर के बारे में, तो गैलेक्सी एम 12 में आपको परफॉर्मेंस के लिए एक्सिनोस का 850 के साथ आने वाला है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8 नैनोमीटर पे आता है। जहां पे आपसे अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलने वाला है, जहां पे आपको कस्टमाइज किया जाएगा UI 3 के साथ। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो गैलेक्सी एम 12 में आपको एक 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले मिलने वाला है, विद HD+ रेजुलेशन के साथ आएगा। इन्फिनिटी वी शेप वाला आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट दिया गया है। सैमसंग इस स्मार्टफोन को बजट सेगमेंट में लॉन्च करने वाला है और इस प्राइस में दोस्तों आपको एक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है, तो ये दोस्तों काफी यहाँ पे बेहतर ऑप्शन आपको मिलने वाला है। डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी एम 12 का जो डिजाइन है आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। रियर साइड में आपको प्लास्टिक बैग दिया गया है, हल्का सा आपको टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिलेगा। रियर साइड में आपको क्वाइट कैमरा सेटअप दिया गया, LED फ्लैश लाइट दिया गया है। बटन और पोर्ट्स की बात करता हूं दोस्तों, चार्जिंग के लिए आपको टैप सी पोर्ट दिया गया, 3.5 जैक दिया गया है। राइट साइड में आपको पावर बटन दिया गया और इसी में आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इंक्लूड किया गया है। इसके ठीक ऊपर में आपको वॉल्यूम अप डाउन की दिया गया, लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे दिया गया और यहां पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप 2 सिम कार्ड लगा पाएंगे और 1 SD कार्ड लगा पाएंगे, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, रियर साइड में आपको क्वाइट कैमरा सेटअप दिया गया, प्राइमरी सेंसर आपको 48 MP का मिलने वाला है, F2.0 अपर्चर के साथ आएगा। 5 MP का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। जहां पे अगर मैं आपसे बात करूं सेल्फी कैमरा के बारे में, तो वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 8 MP का मिलने वाला है, F2.2 अपर्चर के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी एम 12 को 3 कलर वर्ड में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो गैलेक्सी एम 12 को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है इंडिया में। बेस वेरिएंट होगा 4GB 64GB और दूसरा वेरिएंट होगा 6GB 128GB। प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी एम 12 का जो स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में हो सकता है दोस्तों 11,000 और 13,000 रुपए के बीच में हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन का क्या प्राइस हो सकता है इंडिया में, कमेंट करके आप मुझे जरूर से बता सकते हैं। 11 मार्च को यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अमेजोन पे इस स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज आ चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।